तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल उदित फार्मेसी पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको एक फार्मासिस्ट बनना चाहिए, जैसे डी फार्मा या बी फार्मा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें बात करते हैं कि करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूँ कि अगर आप एक फार्मासिस्ट बनते हैं तो एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। जैसे कि अगर अभी मेडिकल फील्ड की बात करें तो डॉक्टर के बाद फार्मासिस्ट का भी एक बहुत बड़ा जो है कि योगदान है मेडिसिन लाइन में। अगर आप हॉस्पिटल में रहते हैं या फिर मेडिकल में काम करते हैं, अपना खुद का मेडिकल शॉप खोलते हैं या फिर फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में जाते हैं, तो इस तरह से बहुत से स्कोप मतलब हैं। अगर आप एक डी फार्मा या बी फार्मा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि और फील्ड का स्कोप नहीं है, जैसे नर्सिंग या फिर लैब टेक्नीसियन या और भी रेडियोग्राफर या फिर जो भी मेडिकल फील्ड का जो भी कोर्स है, सभी का स्कोप है। लेकिन मेडिकल क्षेत्र में अगर मैं डी फार्मा या बी फार्मा यानी कि फार्मासिस्ट की बात करूँ तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है और सैलरी भी एक अच्छा खासा मिल जाती है जिस हिसाब से स्टडी है। अगर जैसे आप सोचेंगे कि 2 साल का मैं डिप्लोमा कोर्स करके 50,000 सैलरी पर मंथ पे पाऊँ तो ऐसा संभव नहीं है। एक इसका भी लिमिट है कि अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो वही 10-15-20 हज़ार शुरू में पाएंगे। तो इस तरह से इसमें सैलरी भी हालांकि ठीक है, उतना भी बुरी नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और फिर 2 साल का या फिर डिप्लोमा करते हैं फिर 4 साल का बैचलर्स कोर्स करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। बात करते हैं कि आपको क्यों करना चाहिए। देखिए, अगर आप मेडिकल फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मेडिसिन से आपको लगाव है, मेडिसिन से आपको प्यार है, तो आप डी फार्मा या बी फार्मा कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप मेडिसिन से दूर भागते हैं, जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी को नहीं समझते हैं या फिर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना अच्छा नहीं लगता है, तो आप जो है कि डी फार्मा या बी फार्मा ना करें। क्योंकि अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिस तरह से डॉक्टर को एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना रहता है तो उसी तरह से फार्मासिस्ट में भी है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है, साथ में इसमें केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। जैसे अगर केमिकल की बात करें तो केमिकल कंपाउंड के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। अगर नेचुरल चीज़ आपको जानने का थोड़ा इच्छा होगा कि मतलब कौन से पेड़ पौधे से क्या कुछ होता है, तो आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं या फार्मासिस्ट लाइन में आ सकते हैं। तो थोड़ा सभी पे ध्यान देना होगा, जैसे कि इसमें आप ह्यूमन बॉडी को अच्छे से समझ रहे हैं तो फिर ठीक है, आप कर सकते हैं। और इसके बाद समझने में इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है, और साथ में बात करूँ तो आपका केमिस्ट्री पढ़ने में ठीक ठाक आप हैं या फिर नहीं है, तो आप नहीं हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लगभग कई सब्जेक्ट हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ते होंगे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया या फिर फार्मास्यूटिक्स हो गया। तो ये सब जो है कि थोड़ा सा फार्मेसी अपना केमिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा है, बायोकेमिस्ट्री भी इसमें आती है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो फार्मासिस्ट एक बन सकते हैं, लेकिन आपको केमिकल से थोड़ा लगाव होगा, मेडिसिन में इंटरेस्ट होगा, यानी कि किसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं या फिर अपना खुद का मेडिकल शॉप खोल के उसको चला सकते हैं, मेडिकल शॉप में बैठने में इरिटेटेड नहीं होंगे, तो इस तरह से आप जो है कि फार्मासिस्ट लाइन में आ सकते हैं। एक अच्छा आपको यहाँ पे स्कोप और एक अच्छा सैलरी के साथ एक बेहतर ज़िंदगी जीने का जो है कि अवसर मिल जाता है, आप या डी फार्मा करें या फिर बी फार्मा करें। अब अगर आपको इस समय इंटरेस्ट नहीं होगा या आपको केमिकल वगैरह से लगाव नहीं होगा या आप मेडिसिन से दूर भागते होंगे, ह्यूमन बॉडी को समझने का इच्छा नहीं करता होगा, तो फिर आप ये सोच के ना आए कि मेडिकल में अगर हम डी फार्मा या फिर बी फार्मा कर लेते हैं तो हमें जो है जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मेरा ये मानना है कि पढ़ाई देखिए अच्छी बात है, लेकिन वाकई में अगर आपको नॉलेज है तभी अच्छी बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई क्या मेरा इंग्लिश वीक है या फिर मेरा बताओ कि मुझे जो है कि फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, तो क्या फिर मैं फार्मासिस्ट बन सकता हूँ, डी फार्मा या फिर बी फार्मा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी इंग्लिश बहुत ही, मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, हालांकि एक एवरेज स्टूडेंट आप मान सकते हैं कि हाँ एक एवरेज स्टूडेंट हो। तो इस तरह से अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप फार्मासिस्ट लाइन में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपका फिजिक्स में 50% है मान के चलिए, केमिस्ट्री में 50% है, मतलब इस तरह से अगर आप एक एवरेज है यानी 40-50-60 इस तरह से आपका परसेंटेज है तो फिर आप जो है डी फार्मा कर सकते हैं या फिर बी फार्मा भी कर सकते हैं, दोनों का क्राइटेरिया सेम ही है।
तो अगर आप और तरह के भी वीडियो देखना चाहते होंगे, डी फार्मा में एडमिशन प्रोसेस क्या है, डी फार्मा कोर्स का A to Z इन्फॉर्मेशन हो रहा, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इधर आई बटन में भी जो वीडियो रखी कुछ हैं तो उसको भी आप देख के कुछ जान सकते हैं डी फार्मा के बारे में, अगर आप करना चाहते होंगे तो आज का जो है कि यही ओवरऑल कुछ मेरा आप लोग को सजेशन था कि बहुत से लोग जो है कि ज़बरदस्ती आना चाहते हैं, जैसे कि देख दे वक्त की, जैसे किसी को देखेंगे कि नहीं भाई वो तो जो डी फार्मा कर रहा है, फिर डी फार्मा करने के बाद ये चीज़ कर रहा है, तो बी फार्मा कर रहा है, चीज़ कर रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है इस सब फील्ड में तभी आप आएँ, अदरवाइज आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से कोर्स अवेलेबल हैं, अगर आप पैरामेडिकल क्षेत्र में, आप मेडिकल क्षेत्र में भी आना चाहते हैं तो बहुत से कोर्स हैं। हालांकि आप प्ले लिस्ट में जाकर और भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोग को तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगर जो भी आपका कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कुछ जो आपका वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ गलत लगा या फिर कुछ सही लगा तो आप अपने जो है कि राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिर ओवरऑल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।